हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब सारिआं नूं। मेरे चैनल ईज़ी कुक ब्लॉग्स विद पूनिया ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज मैं तुहाडे नाल बॉयल्ड पोटैटोज़ की एक अजिही रैसपी शेयर करांगी जिहड़ी कि बारबेक्यूनेशन दे विच बनाई जांदी है। अज आपां जिहड़े उबले हुए आलू आ इन्हां तों बारबेक्यूनेशन स्टाइल इन्हां दे जिहड़ा चाट है उह बनावांगे। सब तों पहलां आपां नूं उबले हुए आलू चाहीदे आ। मैं नॉर्मल आलू जिहड़े आपां घरे वरतदे आ उह लए आ, ते आपां कोशिश करदे आ कि आलू छोटा होवे, ज़्यादा वड्डा आलू ना होवे। अगर बड़ा आलू ही है अपने कोल तां आपां उहनां नूं उबाल के फिर उहनां नूं कट कर लवांगे। जिहड़े पोटैटोज़ हैं आलू हैं ये मैं पहलां उबाल लए हैं, तो उबाल के लै लिया। इन्हां नूं आपां ने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, आपां ने इन्ना कु इन्हां नूं उबालना है। जिहड़ा जदों आपां इन्हां नूं इदां आपां इन्हां नूं फेईए तां एकदम थल्ले वल ना जाण, थोड़ा प्रैशर दे नाल थल्ले वाले होण। इन्ना कु इन्हां नूं करना है। मैं इन्हां नूं 3 सीटी लगाई है। 3 सीटी तों बाद खुले छड के 5 मिनट होर इन्हां नूं बॉयल कर लिया सी। तो हुण ये आलू है जो ठंडे हो चुके हैं, आपां ने बहुत अच्छी तरह वॉश करके इन्हां नूं उबालना, क्योंकि आपां ने इन्हां दा जिहड़ा छिलका है वह नहीं लाउणा हैगा। तो हुण जो इन्हां दे लई अगे चीज़ चाहिए वह मैं तुहाडे नूं दिखाउंदी आं, आपां होर की समान चाहिए ये जिहड़े आपां नूं बारबेक्यूनेशन स्टाइल आपां ने पोटैटो बनाउणे इन्हां नूं बनाउण दे लई। हुण आपां जिहड़ी पोटैटोज़ आपां ने बॉयल कीते हैं उहनां दी कोटिंग करनी है, क्योंकि कोट करके आपां ने फ्राई करना, उहदे नाल ये बहुत क्रंची बणनगे। उहदे लई जिहड़े मैं 3 स्पून लए हैगे कॉर्नफ्लोर दे, ते 1.5 स्पून मैं लिया हैगा मैदे दा। हुण आपां इन्हां नूं एक वड्डी कटोरी दे विच पा के मिक्स कर लैंदे आ, ते थोड़ा जिहा आपां इहदे विच 1/2 स्पून तों वी घट है जिहड़ा सॉल्ट उह ऐड करांगे। ये देखो एक वड्डी कटोरी च मैं दोनों कॉर्नफ्लोर ते मैदा है जिहड़ा उह लै लिया, पा लिया होया। ते हुण मैं इहदे विच जिहड़ा थोड़ा जिहा जिहड़ा सॉल्ट है उह ऐड कर दांगे, जां आपां सॉल्ट कह सकदे आ अपनी जिन्ना क आपां खाने लाइक करते हैं उहदे हिसाब नाल भी आपां जिहड़ा अपनी लाइक के अनुसार भी जिहड़ा सॉल्ट है वह ऐड कर लाँगे, तो मिक्स करांगे। तो हुण पानी दे नाल आपां इहदा जिहड़ा एक पतला घोल है वह बनावांगे। थोड़ा थोड़ा पानी पावांगे, मिक्स करांगे। ज़्यादा आपां ने पतला भी नहीं करना, तो ज़्यादा आपां ने इहनूं थिक भी नहीं करना। तो थोड़ा थोड़ा पानी पा के आपां इक तरह घोल है जिहड़ा वह रेडी करते हैं। ये देखो आपां ने इहदे विच मैदा ते अपने जिहड़ा कॉर्नफ्लोर है इहदे विच पानी पा के इदां दा जिहड़ा घोल है बना लिया। ये देखो ये आपां ने इदां दा रखना है। देखो तुसीं स्पून दे तुसीं बैक साइड ते देख सकते हो इस तरह की कोटिंग है जिहड़ी करन दे लई आपां ने घोल बनाउणा है। ते हुण आपां जिहड़े अपने आलू है इन्हां नूं सारिआं नूं इदां दबा दे के ना उत्ते इदां फेलांगे। ये देखो इदां इदां करके आपां सारिआं नूं फेलांगे। ये देखो आपां सारे अपने आलू इदां फेले हैं। तो हुण आपां जिहड़ा ये घोल तैयार किया इहदे विच कोट करांगे। तो इधर आपां ने एक फ्राइंग पेन दे विच जिहड़ा घिओ गर्म होना रख लिया है। घिओ जिहड़ा आपां मीडियम गर्म करांगे, हाई गर्म नहीं करना, इहनूं ज़्यादा नहीं गर्म करना, आपां ने मीडियम गर्म रखना है। तो हुण आपां जिहड़े अपने पोटैटोज़ हैं इन्हां नूं एक-एक कोट करांगे घोल दे विच ते फ्राई कर लांगे। ये देखो एक-एक पोटैटो लवांगे इदां इहनूं इहदे विच डिप कर लांगे। तो हुण आपां उधर अपने गर्म होए तेल दे विच इहनां नूं फ्राई कर लांगे। ये देखो अपने जिहड़ा अपना फर्स्ट है आलू अपने विच पाता फ्राई होण, तां इदां ही आपां सारे करके सारिआं नूं आपां कोट कर करके इहदे विच जिहड़ा फ्राई करन लई पा दांगे। थोड़ी देर अजे इहनां नूं छेड़ांगे नहीं, थोड़ी देर एक साइड इहनां दी ब्राउन होण दवांगे। जदों एक साइड ब्राउन हो जाएगी तां आपां जिहड़ी आपां दूजी साइड है फिर इहदी इहनूं टर्न कर लवांगे। उहनूं इदां ही आपां सारे 1 by 1 करके सारिआं नूं आपां फ्राई होण दे लई पा दिंदे हां। तो वेट करांगे एक साइड जिहड़ी फ्राई होण दी, उस तो बाद आपां फिर इन्हां नूं टर्न कर लांगे। ये देखो इहदे विच अपने जिहड़े 4 आलू है वह पैन दे विच आए हैं। जे तुहाडे कोल वड्डा पैन है तां तुसीं अपने जिन्ने भी तुहाडे कोल उहदे विच तुहाडे जिहड़े आलू है वह आ सकदे आ तुसीं उन्ने पा सकदे हो। मेरे कोल इस पैन 'च 4 आलू आए हैं, तो मैं इन्हां दी हुण वेट कर रही हाँ एक साइड इन्हां दी ब्राउन होण तक। जदों एक साइड इन्हां दी ब्राउन होगी तां फिर आपां दूजी साइड है जिहड़ी वह टर्न कर लाँगे। तो 2 आलू मेरे कोल रह गए जिहड़े वह इन्हां नूं कढ के आपां फिर है जिहड़े उहदे बाद च आपां फ्राई करांगे। इन्हां नूं फ्राई होण तों बाद आपां ने काफ़ी सारे एकदम नहीं इकट्ठे विच पाउणे, इहदे स्पेस दे हिसाब नाल कढ़ाई दे नाल आपां फ्राई करना इन्हां नूं। ये देखो जिहड़े अपने आलू एक साइड तो जिहड़े ब्राउन हो गए, तो हुण आपां ने इन्हां दी जिहड़ी दूजी साइड है वह टर्न कर लैणी है। इदां ही आपां जिहड़ी इह दूजी साइड है इहनूं भी ब्राउन होण तक फ्राई करांगे। हम आप वेट करते हैं इधर की साइड है जी भी फ्राई होने की। ये देखो कितने अच्छे जड़े अपने इन्हों का कलर आ गया, फ्राई होकर बिल्कुल अच्छे तरीके फ्राई हो चुके हैं।
ये देखो जिहड़े अपने आलू हैं दोनों साइड तो बहुत अच्छे तरीके फ्राई हो चुके हैं। तो हुण आपां इन्हां नूं बाहर कढ लैंदे हां, तो आपां इक नैपकिन ते रख लांगे इन्हां नूं, ताकि जिहड़ा इन्हां दे विच एक्सट्रा ऑयल होवे ओह इस नैपकिन है जिहड़ा उहदे विच चला जाएगा। इस तरह अपने कोल जिहड़े दो होर अपने जिहड़े आलू उबले हुए पए हैं, हुण आपां इन्हां नूं कढ के वह फ्राई है जिहड़े इसे ढंग नाल कर लैंदे हां। ये देखो अपने सारे जिहड़े आलू हैगे हैं वो फ्राई हो चुके हैं, बॉयल्ड पोटैटोज़ अपने फ्राई हो चुके हैं, बहुत अच्छे ढंग नाल फ्राई हुए हैं ये। तो हुण आपां चलते हैं इस तो नैक्सट प्रोसैस वल। उहदे लई आपां नूं चाहिए है हुण वैज मायोनीज़, ये मैं 3 चम्मच जिहड़े लै लिया एक बाउल दे विच। हुण इहदे विच आपां जो जो ऐड करना मैं तुहानूं वह दिखाउनी आ। हुण आपां इहदे विच थोड़ी जी जिहड़ी काली मिर्च है वह पावांगे, देखो थोड़ी जी आपां हुण इहदे विच काली मिर्च है जिहड़ी ये ऐड कर लांगे। ऑरगेनो जां मिक्स हर्ब्स कुछ भी तुसीं पा सकते हो, थोड़ा जिहा वह आपां इहदे विच ऐड करांगे। अगर तुसीं थोड़ा तिखा खाना पसंद करते हो तां तुसीं चिली फ्लैक्स जिहड़े वह भी पा सकते हो, पर यह चिली फ्लैक्स मैं नहीं पावांगे इहदे विच। ते थोड़ी जी आपां इहदे विच जिहड़ी देगी मिर्च है वह पावांगे, उहदे नाल जिहड़ा इहदा कलर है बहुत अच्छा आएगा। ते आपां इहदे विच थोड़ा जिहा जिहड़ा ड्राई गार्लिक वह पावांगे। अगर तुहाडे कोल ड्राई गार्लिक नहीं हैगा तां तुसीं घर ही गार्लिक लै के उहदा पेस्ट बना के आप ही विच मिक्स कर सकते हो। तो हुण इहदे विच इक पावांगे प्याज का पेस्ट, अनियन का पेस्ट। अगर तुहाडे कोल ड्राई अनियन हैगा तां बहुत अच्छी गल है, तां तुसीं वह ड्राई अनियन है जिहड़ा वह पा सकते हैं। थोड़ा जिहा हुण आपां इहदे विच पावांगे नमक, सॉल्ट थोड़ा ही पावांगे, ज़्यादा नहीं पाउणा हैगा, मिक्स करांगे। तो हुण ये जिहड़ा आपां पेस्ट है इहनूं आपां ने थोड़ा जिहड़ा लिक्विड फॉर्म दे विच लियाउणा है। तो उहदे लई आपां की करांगे इहदे विच थोड़ा थोड़ा दुध पावांगे तो मिक्स करते जावांगे। ये देखो इदां आपां दुध पावांगे तो इहनूं मिक्स करांगे। ये देखो ये अपना जिहड़ा सारा मिक्स ठीक है ना, वधिया पेस्ट है जिहड़ा, ये तो बन गया जिहड़ा आपां नूं चाहिए है। तो देखो ये इदां दी अपनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए है, बिल्कुल ठीक है। तो हुण आपां जिहड़े अपने आलू हैं इन्हां दी आपां प्लेटिंग करते हैं, अपना स्पैशल बारबेक्यूनेशन स्टाइल पोटैटो चाट है जिहड़ा। तो हुण आपां उहदी प्लेटिंग है जिहड़ी करते हैं लास्ट दे विच। ये देखो आपां अपने जिहड़े पोटैटोज़ हैं उन्होंने एक प्लेट च लगा लिया। तो हुण आपां जिहड़ा इहदे लई ये पेस्ट तैयार किया है स्पैशल, यही जिहड़ा इहने इहदा बहुत टेस्ट है होर वधाउणा है। तो आपां हुण इहनां सारिआं दे उत्ते जिहड़ा ये पाउंदे आ, उत्ते आपां इहदे नाल आपां इहनां नूं अपने आलूआं नूं कोट करदे हां। तो बहुत ही बनाउणे सौखे आ, बहुत ही टेस्टी बणदे आ, तुसीं वी सारे बना के देखणा। तुहानूं मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक तो शेयर करना, तो अपने मैनूं कमेंट्स है जिहड़े जरूर देना, तो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करना। बहुत तुसीं भी बहुत सारे जने इहनूं बहुत वधिया ढंग नाल बना लोगे, क्योंकि बनाउणे बहुत ही सौखे है। जरूर बना के देखो, तो मैनूं अपने कमेंट्स जरूर दिओ। बहुत टेस्टी बनते हैं तो बहुत ही स्वाद लगते हैं खाण दे लई। ये देखो आपां ने सारिआं ते अपना जिहड़ा ये लिक्विड आपां ने पा लिया है, जिहड़ा बहुत ही टेस्टी मायोनीज़ दे नाल आपां ने लिक्विड है जिहड़ा बहुत टेस्टी बनिया है अपना। तो हुण आपां लास्ट दे विच आपां नूं कुछ कट्टिया होया प्याज ते फ्रैश जिहड़ा धनिया चाहिए है, तो वह हुण आपां जिहड़ा इहदे उत्ते पावांगे। तो खाण दे लई पूरा ये रेडी है, तो इंजॉय करांगे, तुसीं भी इदां इंजॉय करना। तो मैनूं जरूर अपने कमेंट्स देना, तो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करना। ये देखो अपने परफेक्ट जिहड़े पोटैटो चाट है बन के तैयार हो गया, तो तुसीं भी इदां बना के देखियो। मेरी वीडियो देखने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, थैंक यू। सारे जने खुश रहो, तो हमेशा हसदे वसदे रहो।